यही बात है ना, कैमरे के सामने हो कि इससे, इससे और इससे क्या होगा, अब इससे बनेगी क्या वायरल वाली, जो यूट्यूब पर मैंने देखा हुआ ना, बेसन में लपेट के इसको और कढ़ाई में डाल के उबाल देते हैं, फिर वो मस्त निकाल के इसमें से खाते हैं, तो वैसा ही कुछ रेसिपी बनाने वाले हैं, तो देखते हैं अब और क्या बनेगा। और देखते हैं वो बेटी का समझ नहीं पा रही है भाई, वायरल होने के लिए सब करना पड़ता है, तो देखते हैं क्या हमारा वीडियो कितना वायरल जाता है। ऐसे ही ना सब फालतू बातें करनी पड़ती है, ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और देखते हैं क्या बन के तैयार होगा। ऑब्वियसली बात है हाइजीनिक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पैकेज फूड है, ठीक है, ये चलो चलता है, ठीक है, ये चलता है, ये कोकोनट फ्लेवर का है, तो बड़ा मस्त सा है ये, देखो है तो बड़ा टेस्टी है। देखो अभी तक बेसन लिया है, और मैं ना मेरा आइडिया ये है कि मैं इसमें ना इसको इसमें डुबो के मिलाऊंगा नहीं, ऐसे निकाल के इसको फ्राई करूंगा और ये बिस्कुट भी फ्राई करके दे दूंगा, तो देखते हैं फ्राई करके फिर किस कैसा टेस्ट आता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा होगा, मगर मैं आज मैं भी वही सब ट्राई करने जा रहा हूँ, तो कैसा मज़ा आएगा। इसमें थोड़ा सा मैं ये धनिया पाउडर अपनी तरफ से ऐड करूँगा और थोड़ा सा इसमें डालूंगा, मेरे पास है ना कच्ची हल्दी रखी हुई है, कच्ची हल्दी, जी हाँ कच्ची हल्दी रखी हुई है, तो कच्ची हल्दी इसमें खुर के डालूंगा। और ये देखेगा आ गई है कि मेरे पापा कैसे क्या पालन फालतू पलती कर रहे हैं, अगर हम करेंगे ये फालतू पलती और देखेंगे कैसे क्या होता है, क्या कितना मज़ा आता है, क्या टेस्टी बनता है या क्या कबाड़ बनता है, तो मैं अभी बताने वाला हूँ बना के। बस में हल्दी पड़ती हुई, हल्दी खुर के बस ज्यादा नहीं कड़वी हो जाएगी वरना गर्मी चढ़ जाएगी, नहीं कड़वा हो जाएगा सब कुछ मामला, हाँ। इसलिए पानी लेके आओ, आरो वाला पानी लेके आओ, आरो वाला जल्दी जाओ। सो गाइस मैं पानी लेके आ चुकी हूँ, पानी लेके आ जाइए, पानी डालेंगे इसमें, रुक जाओ, देखे हो इसका पेपर चल रहा है, मगर इसका पूरा इंटरेस्ट है इसमें, तो चम्मच से पानी डालेंगे इसमें और इसको मिलाएंगे, नमक डालिए हल्का सा, नमक डालती है हल्का सा नहीं, दो चम्मच पड़ा है, हाँ दो चम्मच, बाप रे, ओ भैया ना दो चम्मच में डालना, अपने स्वाद अनुसार ही डालना, और मैं अभी खा के बताऊँगा, इनमें पहले से नमक होता है ना इन चीज़ों में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा नमक नहीं डालते हैं, तो मैं अभी इसको अच्छे से फेंट रहा हूँ, ये देखो अच्छे से, भाई वायरल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है अभी पता नहीं, अभी रुक जा मुझे बोलने दे यार। देखो ऐसा है कि अब नेक्स्ट टाइम क्या क्या नया स्टेप होगा मेरा वायरल होने के लिए, मुझे तो नहीं पता, मगर मैं है ना, देखो मैं अब दुनिया वायरल होने के लिए परेशान है, मैं वायरल होने से बच रहा था अभी तक, अब ऐसे उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे जब भी वायरल होने में है ना, मैं ये चिप्स डालूंगा खोल के, चिप्स खोलिए और ये चिप्स सारे इसमें डाल दूंगा, ठीक है, दो चार ही निकलते हैं, 5 रुपये वाला लिया था भाई, दिल्ली पा दिया बेसन, देख सकते हो आप अच्छे से दिख रहा है आपको, बेसन डाल दिया है देखो इस तरीके से, अब इनको इसमें से निकाल के चम्मच से हाथ से मैं करूँगा, और फिर इसी तरीके से बिस्किट फ्राई करूँगा भाई, सीधी सी बात ये है कुल मिला के, तो पहले ऑयल डाल दें, ब्रांडेड ऑयल खरीदो, तो ये डाल दिया है, और कंटिन्यू करते हैं यहीं से, मारी इसकी रिस्क ले रहा हूँ स्टैंड पर रखी, देखो क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखेंगे बाद में। तो इसके ऊपर बेसन डालो, ये तो ट्राई करने वाली है, जो हर चीज़ को है ना नाक मुंह मारती है, हर एक चीज़ में ये ट्राई करने वाली है धनिष्ठा, हाँ तो हाँ खाओ, सब बेसन खा रही है पूरा, को खा ना, खाओ उसे खाओ, तेल का फ्लेवर आ रहा है,
अरे यार धीमी घटी की बुलेट है ना, उधर खाओ उसे, तेल का फ्लेवर आएगा नहीं तेल में से कहीं तो। अब उसको नहीं खाना है, अब दूसरा खाना है, ये बिस्किट वाला, ये बिस्किट वाला बिना सॉस के। बताया तो है नहीं वो चिप्स कैसा था, ये तो बताया ही नहीं। ऑफन था वो। अच्छा क्रैक चेक वाला खराब बता रही है, मुझे पता चल गया। अब छोड़ो उसको, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, ट्राई करो ये कोकोनट क्रंची वाला बेसन फ्राई है। बेसन फ्राई है। एवरेज। एवरेज। अब ठीक है, अब मैं खाऊंगा तो मैं बताऊंगा। अब लाओ हटाओ, मैं बताऊंगा। अब तो देखो मैं खा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो मैं खा के देखे सेफ सेफ है अपनी, ठीक है। ये क्रैक जैक वाला बिस्किट है, बिस्किट है, तो पहले मैं खाऊंगा। क्या ही कहूँ, लेस चिप्स वाला गाइस आप ट्राई करके देखो ना, आपको मजे आ जाएंगे। क्या ही कहूँ भाई, बढ़िया। एक दादी को दिया ये, हाँ ये दे उठा के बाद खिलाया, इतना खिलाया पापा को अच्छा लग रहा, पर कोकोनट क्रंची बिस्किट कहीं से मिल जाए तो मसाले वाले बेसन लपेट के फ्राई करो, उसे खा के देखो, डिफरेंट टेस्ट, अमेजिंग टेस्ट, मतलब मुझे अच्छा लगा, आपको पता नहीं कैसा लगेगा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये मैं किसी के लिए छोड़ूंगा नहीं, ये फिनिश कर दे रहा हूँ। कल ये नहीं खाया, लेज वाला नहीं खाया, लेज वाला नहीं खाया, तो लेज वाला खा रहा हूँ। बेसन का टेस्ट है बस, थोड़ा कुछ नहीं, आलू शायद होता तो पता नहीं, पता क्या चलता क्या नहीं होता, मगर वो नहीं पता, मगर कुल मिला के ये है कि भाई वीडियो वायरल हो या नहीं हो, मगर नई रेसिपी मिली, झूठ मूठ के लिए। लेस चिप्स वाला कहाँ है? ये खाओ खाओ। हाँ हाँ आए हैं, पीछे आया घर यहाँ मोबाइल। हाँ मजे, आपने गाइस लेस वाले चिप्स को बेसन के अंदर डिप करके खा सकते हो, यम्मी आ रहा, मजा आ रहा। सारा क्रेडिट तो बेसन का है, ठीक है, ट्राई कर सकते हो भाई, ट्राई कर सकते हो, बना खा सकते हो, पैकेट को फ्राई मत करना, पैकेट को पैकेट के अंदर से निकाल के जो है उसको फ्राई करना। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। हां ये एक एक संग आवाज निकाल, ये ये हां ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। किसी ऐसे दूसरे वायरल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अरे यार बोल ले तो ले, ऐसे ही कोई और इसी वीडियो में ऐसी इसी प्रकार के में ना मिलेंगे। अरे रुक जा मिलेंगे, ठीक है, एक और वीडियो को वायरल कराने की कोशिश करेंगे। मम्मी बेटा बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो अभी, करती हूँ पापा।
सॉस डाल रही हूँ पापा।